स्पोर्ट्स स्काउट्स, मैं हूं पीयूष शर्मा, आपका फैंटेसी एक्सपर्ट। और हमारे फैंटेसी स्काउट्स फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ अपनी फैंटेसी इनसाइट शेयर करने के लिए। बहुत ही सॉलिड प्लेयर्स थे वो अपने टाइम पे, और अभी बहुत ही सॉलिड फैंटेसी प्लेयर्स भी बन चुके हैं। इनफैक्ट जो भी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स है इस फील्ड में, काफी डर का माहौल है वहां पर, क्योंकि इतनी अच्छी फैंटेसी प्रेडिक्शंस जा रही है, इनकी स्पॉट ऑन जा रही है। प्लीज वेलकम फिर से मिस्टर आकाश चोपड़ा एंड मिस्टर वसीम जाफर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर। धन्यवाद। सर सीधे चलते हैं, हम है मैच है ब्रिबोन में, लखनऊ वर्सेस चेन्नई। स्ट्रेट पहली सेफ पिक आपकी। मेरी पहली सेफ पिक पीयूष होगी केएल राहुल। अगेन लास्ट टाइम भी मैंने रखा था, बट ही गॉट आउट ऑन द फर्स्ट बॉल, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग अगेन। He'll probably come back very strong. Bankable player है, lot of batting depends on KL Rahul. और again 600-700 run वाले player है season के, तो I'll go with KL Rahul. Of course, एक जो unplayable से delivery मिल गई थी उनको, लेकिन अभी बहुत safe pick रहेंगे। आकाश सर आपकी safe pick? मेरी safe pick actually Quinton de Kock है। क्विंटन डी कॉक, ब्रेबॉन का मैदान, जिस तरीके की बोलिंग अगर आप देखते हैं वो चेन्नई के दृष्टिकोण से, वहां पे रविंद्र जाडेजा आएंगे, नहीं खेलेंगे मान लीजिए एट मिचेल सैंटनर, लेकिन जो फास्ट बोलिंग भी है उसमें कोई स्विंग वाला इतना बोलर है नहीं। मैं जा रहा हूँ क्विंटन डी कॉक के साथ। पिछले मैच में तो वो भी आउट हो गए थे, पर QDK इज माई फर्स्ट सेफ पिक। तो वी स्पोर्ट की पहली सेफ पिक होगी मोइन अली, जो की अपना पहला मैच खेलने वाले हैं और ऑफकोर्स नंबर 3 नंबर 4 पे खेलते हुए फिर से दिखेंगे। बैटिंग अगर आप देखें, बैटिंग फॉर्म बहुत अच्छी रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में विकेट्स भी लिए हैं, रन्स भी बनाए हैं, और सामने लेफ्ट हैंडर्स भी मिलेंगे आपको। टॉप 4 में 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, उसके बाद कृणाल पांड्या भी हैं, और क्विंटन डी कॉक के अगेंस्ट तो जरूर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। 8 इनिंग्स में 4 बार आउट कर चुके हैं, तो मोइन अली बहुत ही सेफ पिक है। बॉलिंग करने के चांसेस भी है, और बॉलिंग करते हैं तो वैल्यू काफी बढ़ जाती है, और जब टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है कोई और आपको बॉलिंग करते हुए दे रहा है, तो फैंटेसी में उससे सेफ कैप्टेंसी चॉइस आपके लिए कुछ नहीं है, तो हम रेकमेंड करेंगे मोइन अली के साथ जाइए। अगर सर पहली सेफ पिक हो चुकी है, आपकी सेकंड सेफ पिक कौन सी? मेरी सेकंड सेफ पिक जो है वो आपकी व्यू की, ये व्यू स्पोर्ट की जो फर्स्ट सेफ पिक थी, दैट्स मोइन अली। मोइन अली मेरी भी पिक है, इनफैक्ट कप्तान वाइस कप्तान। अभी हमने पिचिंग देखी, टॉस नहीं हुआ है, ये मेरे जहन में दोनों खिलाड़ी है, एक कप्तान एक वाइस कप्तान, डिपेंड करता है कि किसकी पहले बैटिंग किसकी बाद में बैटिंग है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू वांट टू बेयर इन माइंड, क्योंकि अगर वो मोइन अली की सेकंड में अगर बॉलिंग आती है तो फिर वो गीली बॉल हो जाएगी, गीली बॉल के ऊपर फिर वो उनका सिक्का उतना नहीं जमेगा ऐसा मुझे लगता है, तो फिर मैं उनको वाइस कप्तान बना दूंगा। अदरवाइज ही इज माय सेफ पिक। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट्स आर क्विंटन डी कॉक एंड मोइन अली। वसीम सर आपकी सेकंड सेफ पिक? मेरी सेकंड सेफ पिक है रविंद्र जडेजा, द 3-डायमेंशनल प्लेयर, प्लेनली बिकॉज कैप्टन है, शायद बैटिंग करने भी ऊपर आ सकते हैं, और ऑब्वियसली 4 ओवर डालेंगे, फील्डिंग के भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, तो वेरी मेरे हिसाब से बहुत ऑलराउंडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा इज माय सेकंड सेफ। तो आज वसीम सर रेकमेंड कर रहे हैं 3D जो एबिलिटीज हैं जडेजा की बैक करने के लिए। लास्ट मैच में आकाश सर ने 3D एबिलिटीज को बैक करने के लिए मना किया था अवॉइड करने के विजय शंकर, जो कि फेल भी हुए। व्यू स्पोर्ट की सेकंड सेफ पिक होगी लोकेश राहुल, एक अनप्लेबल से डिलीवरी मिल गई लास्ट मैच में, लेकिन इस लाइनअप के अगर अगेंस्ट आप देखेंगे, एडम मिल, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, इसके अलावा ड्वेन ब्रावो, आज तक किसी के अगेंस्ट भी आउट ही नहीं हुए T20s में। ऑफकोर्स एक डिलीवरी फिर से मिल सकती है, लेकिन अभी तक अगर आप उनके नंबर देखेंगे, मैचअप देखेंगे, करंट मैचअप बहुत ही अच्छे हैं, और लोकेश राहुल हमेशा बहुत ही रिलायबल चॉइस होते हैं एज कैप्टन, तो हम रेकमेंड करेंगे सेकंड सेफ पिक लोकेश राहुल के साथ जाइए अगर आप स्मॉल लीग्स में कैप्टन ढूंढ रहे हैं तो। आकाश सर थोड़ा सा मुश्किल, अब किसको ड्रॉप करें? किसी को आप ड्रॉप करना नहीं चाहते हैं, दैट्स नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग, पर मेरे विचार में तुषार देशपांडे अगर ये मैच खेलते हैं ये वाला, तो फिर आप उनको बाहर छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सपाट पिच होने वाली है और इस पे बिटाई ठीक ठाक लग रही है, और जिस एरियाज में वो शायद नई गेंद से डालते हैं बट डेथ में नहीं डालते, तो मैं उनको छोड़ दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल जैसा आकर्षण ने कहा, पिटाई बहुत होने वाली है, लास्ट मैच में 205 चेज हो गए थे 6 बॉल पहले। वसीम सर आपकी इस मैच में प्लेयर टू अवॉइड पिक?
जी मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ आकाश के साथ। मैं भी तुषार देशपांडे को थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ऑपोजिट टीम है LSG, वो शायद उनको अटैक करने के लिए देखेगी। नई गेंद में इतना स्विंग नहीं करा थे, और पेस जो है वो डेफिनेटली हेल्प करेगी, क्योंकि अच्छी बाउंस है तो किसी फास्ट बॉलर्स को, और वो भी अगर कोई इंडियन फास्ट बॉलर्स है, यू लुक टू अवॉइड देम। सो तुषार देशपांडे को भी मैं अवॉइड करना चाहूंगा। बिल्कुल, तो दोनों एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं कि आप तुषार देशपांडे को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जब आप टीम बनाते हैं तो सबसे बड़ा जो आपके लिए कंसर्न होता है वो हर प्लेयर जो है अभी स्पेशली IPL के अंदर एक बहुत ही हैवी हाई प्राइस पे आता है, तो आपको किसी ना किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना होता है, तो कौन सा एक प्लेयर होगा जिसको आप ड्रॉप करना चाहेंगे? जैसे अगर हम व्यू स्पोर्ट्स से रिकमेंड करें तो अगर आप डेटा ट्रेंड देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ IPL 2020 में फर्स्ट 3 मैचेस के अंदर सिर्फ 5 रन थे उनके, IPL 2021 में फर्स्ट 3 मैचेस में सिर्फ 20 रन थे, और ये सीजन उन्होंने डक के साथ स्टार्ट किया। अभी ऋतुराज आ रहे हैं 9.5 क्रेड्स, जो कि आपकी पूरी साइड का बैलेंस अगर उनको लेते हैं तो शायद बिगड़ जाए, तो क्या आप रिस्क लेंगे ऋतुराज गायकवाड़ पे? क्योंकि अगर हम देखते हैं मुंबई की तरह शायद वो भी थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, अगर सर क्या रिस्क लेना चाहेंगे ऋतुराज गायकवाड़? मैं टीम में तो रखूंगा। एक हेड टू हेड का ना एक और बड़ा अच्छा एक छोटा सा सिस्टम है कि यू वॉन्ट टू न्यूट्रलाइज, अगर वो सभी लोगों ने ऋतुराज को लिया और आपने भी ले लिया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उनका भी आउट तो आपका भी आउट, क्योंकि ऋतुराज क्योंकि क्वालिटी प्लेयर है, 2020-2021 में अनकैप्ड इंडियन थे, अब वो इंडिया प्लेयर है, इंडिया प्लेयर लड़ता है और आंकड़े बदलने के लिए होते हैं, तो हो सकता है कि रन बना दे, क्योंकि रन बनाने की काबिलियत है, नंबर वन पे बैटिंग करते हैं, 20 ओवर पूरे मिलेंगे, तो अगर वो सामने वाली टीम में और आपकी टीम में नहीं है, दैट कैन रियली हर्ट यू, दैट कुड बी गेम सेट एंड मैच। तो मैं टीम में तो भैया उनको जरूर रखूंगा, चाहे 9.5 क्रेडिट्स में आए, मैं उनके लिए जगह बना दूंगा। आकाश है तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करने वाले उनको। वसीम सर क्या आप ड्रॉप करना चाहेंगे जिस प्राइस में आ रहे स्पेशली वो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुराना ट्रेंड चाहे जो भी हो, बट जैसे आकाश ने कहा है कि पहले वो अनकैप प्लेयर्स थे, अब लास्ट ईयर ऑरेंज कैप भी जीती है, और वो आंकड़े बदलते रहते हैं हर बार, ऐसे नहीं होता है कि वो पहले अगर फेल हुए हैं तो इस बार भी फेल होंगे, तो डेफिनेटली क्वालिटी प्लेयर है, विकेट बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि ये ग्राउंड भी सूट करेगा, विकेट भी सूट करेगा, तो नहीं उन जैसे प्लेयर को आप ड्रॉप नहीं करना चाहोगे। एक्सपर्ट्स नहीं ड्रॉप करना चाहेंगे ऋतुराज गायकवाड़ को, तो आपको भी यही कहेंगे कि आप भी मत चांस लीजिए। एक और प्लेयर जो अगर आप डेटा ट्रेंड देखें तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए हम एक्सपर्ट से ही जानना चाहेंगे, दीपक हुडा। लास्ट सीजन उन्होंने जिस तरीके से अभी स्टार्ट किया है बिल्कुल वैसे स्टार्ट किया था, 64 स्कोर किए पहले मैच में, और अपनी नेक्स्ट 10 इनिंग के अंदर सिर्फ 96 रन थे, तो पहली इनिंग यहां पर भी वैसे ही स्टार्ट करी है, अभी फिलहाल खेल रहे हैं नंबर 5 पे, तो क्या आपको लगता है अभी भी सेकंड मैच में उतनी वैल्यू है कि आप उनको एज कैप्टनसी कैंडिडेट देखते हैं या फिर टोटली अवॉइड करना चाहेंगे? वसीम सर स्टार्टिंग विद यू। मे बी कैप्टनशिप मटेरियल तो नहीं है, बट डेफिनेटली टीम में रखना चाहोगे। पिछले साल थोड़े नंबर्स भी मेरे ख्याल से वो कभी 4 नंबर पे खेल रहे थे, कभी 6 नंबर पे खेल रहे थे, बट आई थिंक ये सीजन में थोड़ा उनका सेटल नंबर होगा, और अगेन एक साल के बाद में आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली वो चीज नहीं होगी, मुझे लगता है कैप्टनशिप मटीरियल नहीं है, बट आप टीम में बिल्कुल रखोगे, क्योंकि आपको वैल्यू देते हैं एज अ फील्डर भी, 2-1 ओवर 3 ओवर बॉलिंग करा सकते हैं, हालांकि पिछले मैच में 1 ओवर ज्यादा करवा दिया था, बट डेफिनेटली आपकी टीम में तो होना चाहिए मुझे लगता है। आई एम श्योर उस 1 ओवर की वजह से दिल्ली काफी खुश होगी। आकाश सर कैप्टनसी मटेरियल नॉर्मल प्लेयर या फिर टोटली आप अवॉइड करिए, क्या करना चाहिए? नॉर्मल प्लेयर देखिए, सामने वाली टीम में डेवन कॉनवे मिलेंगे शुरू में आपको, उसके बाद आपको मोइन अली मिलेंगे, उसके बाद आपको रविंद्र जाडेजा मिलेंगे, तो अगर 3 खब्बे आपके पास आने वाले हैं, और LSG के पास और कोई ऑफ स्पिनर है नहीं, लेग स्पिनर है रवि बिश्नोई, कृणाल पांडे लेफ्ट आर्म स्पिनर, बाकी किस स्पिनर के साथ खेलते हैं, तो फिर बच गए दीपक हुडा, ऑल सेड एंड डन, आप इनको टीम में रखिए, और कप्तान बेशक मत बनाइए, वाइस कप्तान मत बनाइए, पर टीम में मेरे विचार में तो रखना चाहिए, क्योंकि फॉर्म जो है ना वो 24 कैरेट खरा सोना है, और लड़के के पास फॉर्म है, काबिलियत है, बोलिंग भी करेंगे, आई विल गो फॉर इट, मतलब नॉट एज ए कैप्टन दो। तो दोनों एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहे हैं टीम में रख लीजिए। फाइनल सेगमेंट काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, तो एक पिक ऐसे ही बता दीजिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कि प्लेयर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी टीम जो है रॉकेट की तरह उड़ जाए अगर वो प्लेयर चल जाए। स्टार्टिंग विद यू आकाश सर। सी ड्वेन ब्रावो, ड्वेन ब्रावो वो ऐसा खिलाड़ी है जो मतलब बड़े अच्छे स्टेजेस पे बोलिंग करता है,
और बोलिंग एक्चुअली पिछले मैच में भी ठीक ठाक की उन्होंने, इनफैक्ट विकेट जिनको मिली उन्हीं को मिली, बाकी तो हाथ ही मल रहे थे, तो उस हिसाब से देखिए आप उनको रख सकते हैं। सी चेन्नई की बल्लेबाजी में हो सकता है सी देयर इज एन आउटसाइड चांस, कोई गारंटी नहीं है कि इनकी शायद बैटिंग भी कई बार आप इनको फिनिशर के रूप में भी देख लेते हैं। सो इज इज अ गुड पिक इनमें, और वो मैं बिश्नोई का सोच रहा था क्योंकि अगर पिछला जो ब्रबॉन का मैच हुआ था वहां पे लेग स्पिनर्स की चांदी थी, चाहे वो कुलदीप यादव हो या फिर वो मुरुगन अश्विन हो, आई एम जस्ट थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस। तो या तो रवि बिश्नोई, अगर बाद में बोलिंग आई है तो मत करना, पर ड्वेन ब्रावो कुड बी योर रिस्की पिक जो हो सकता है सडनली आपको 100 पॉइंट दे दे। बिल्कुल, अगर आपको चांस लेना है रवि बिश्नोई पे बोलिंग फर्स्ट करते हुए आप ले सकते हैं, आपके लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक हो सकती है। वसीम सर, आपके लिए वो पिक कौन सी होगी? मेरे लिए थोड़ा रिस्की, मैं पिक करूंगा अंबाती रायडू को। डेफिनेटली थ्री डायमेंशनल प्लेयर नहीं है लेकिन क्वालिटी प्लेयर है, क्योंकि ये जो बोलिंग अटैक है मेरे ख्याल से सामने वाली टीम का LSG का, ये थोड़ा मुझे लगता है उनको सूट करेगा। कृणाल पांड्या, दीपक हुडा, रवि बिश्नोई भी इतना तकलीफ नहीं दे सकता है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम बड़ा अच्छा विकेट है, यहाँ पे खेल भी चुके हैं, मुंबई इंडियंस से भी खेल चुके हैं, तो वेरी यूज टू इट। अगर वो खेल गए, क्योंकि मोइन अली के आने से हो सकता है कि एक नंबर थोड़ा नीचे आना पड़े, बट स्टिल मुझे लगता है मैं उनको 4-5 नंबर पे देख रहा हूँ कि अगर वो आएंगे तो अच्छा फिनिश कर सकते हैं। तो आई विल एक्सपेक्ट हिम कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में अंबाती रायडू को मैं पिक करूंगा। तो थ्री डायमेंशनल स्किल नहीं होने की वजह से इंडियन टीम ने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन वसीम सर ने जरूर सेलेक्ट किया इनको। तो आपके पास सारी पिक्स हैं, अब आप जाइए अपनी फैंटेसी टीम बनाइए। थैंक यू सो मच एक्सपर्ट फिट से ज्वाइन करने के लिए और आपकी वैल्यूएबल इनसाइट देने के लिए। वंस अगेन इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।